एज़ यू नो डैट एजेंट कौन हैज आई हैव ऑलरेडी डिसकस सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज ऑफ एजेंट है सो so so, क्या कर्तव्य है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या राइट्स हैं क्या ऑब्लीगेशन हैं एजेंट के ठीक है सो टू कंडक्ट तो पहला है कि टू कंडक्ट बिजनेस विद स्किल एंड डिलीजेंस अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई काम अलॉट कर रहा है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजेंट ना कि वो उस काम को प्रॉपर स्किल के साथ प्रॉपर डिलीजेंट होके एफिशिएंट होके इफेक्टिव होके वो उस काम को क्या करे पूरा करे ठीक है सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एजेंट नाउ द नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल तो बोल देगा हिसाब दिखाओ क्या रहा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ कहाँ पे कितने पैसे खर्च हुए क्या रिसीविंग करी तुमने किसकी क्या पेमेंट करी तो भाई अकाउंट्स तो मेंटेन करनी पड़ेगी उसे है ना तो ऐसे केस में जस्ट टू तो रेंडर अकाउंट इज आल्सो अ ड्यूटी ऑफ एजेंट बिकॉज अगर आपको प्रिंसिपल कोई काम अलॉट कर रहा है तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसकी जगह पर रहकर वो सारे काम परफॉर्म करो एंड यू हैव टू प्रिपेयर वन प्रूफ लाइक थ्रू एन अकाउंट थ्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज एज यू नो डाउट एक फिनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी भी कंपनी या फिर किसी भी वर्क को अनालाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना काम हुआ है कितनी पेमेंट हुई है है, कितनी receiving हुई है, 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 है? कितना कितना हुआ हुआ ठीक है? Uh, next one is to communicate in difficulty. अब मान लो कि प्रिंसिपल ने को कोई काम दिया लेकिन वैसे केस में क्या होता है कि एजेंट वॉज लाइक प्रॉब्लम है वो बात नहीं कर पा रहा है उसे डर लग रहा है कि पता नहीं मैं अपने सर को ऐसे बोलूँगा तो क्या बोलेंगे सर मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा मेरे को तो सैलरी नहीं मिल रही है अब मैं ये सारी बातें कैसे बोलूँ तो वो डर रहा है तो ऐसे केस में उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उसके मन में जो भी चीज़ें हैं लाइक अगर किसी परफॉर्मेंस को करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो सारी बात को जो है वो प्रिंसिपल को बताए क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं उसकी बात सुनी नहीं जाएगी सो so, जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं एजेंट के जिस पे वो वर्क करना चाहता है और अगर उसको कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो इट्स हिज ड्यूटी इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सारी बातें अपने प्रिंसिपल को खुलकर बताए ठीक है